हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से हॉटस्पॉट की सेटिंग जो है वो कैसे इनेबल कर सकते हैं, मतलब हॉटस्पॉट कैसे शेयर कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड के साथ या फिर जहाँ भी आपको सेंड करना हो या शेयर करना हो अपनी फैमिली के साथ। तो वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल सिंपल जो स्टेप्स हैं, तो चलिए गाइस यहाँ से हम पहले हमारा नोटिफिकेशन पैनल जो है गाइस वो आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से अपने नोटिफिकेशन पैनल में आ जाते हैं और यहाँ पे कोई ऑप्शन मिलेगा हॉटस्पॉट का, तो इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखते हैं और इसकी सेटिंग में हम आ जाते हैं। प्रेस एंड होल्ड रखने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वाईफाई हॉटस्पॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, तो हम सीधा से इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद गाइस आपको अगर नाम चेंज करना हो हॉटस्पॉट नेम, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल सकता है, तो आप सिक्योरिटी रखेंगे तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहें तो नन पे क्लिक कर लें, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वन टाइम मोबाइल डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मोबाइल डाटा की लिमिट सेट कर सकते हैं कि एक बार में आप कितना डाटा शेयर करना चाहते हैं, 50 MB, 100 MB, 500 MB। कस्टम पे क्लिक करेंगे तो गाइस कोई भी आप सेट कर सकते हैं कितनी MB या कितनी GB आपको करना है। आई थिंक ये MB में ही रहेगा, तो ऐसे करके आप टाइप कर लेंगे ओके। तो इतनी GB आप शेयर कर सकते हैं। टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, जब आपके फोन से डिवाइस कोई कनेक्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा ओके गाइस। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि हॉटस्पॉट को कैसे इनेबल करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।